आंखों के पर्दों की जो नस होती है कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज का कारण क्या हो सकता है? इसके हम दो नाम से जानते हैं, BRVO ब्रांच रेटिनल वीनस ऑक्लूजन या CRVO सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन। मतलब इसमें जो वेन्स होते हैं आँख के पर्दे के, उसमें ऑक्लूजन या ब्लॉकेज आ जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख और जो बहुत कॉमन लाइफ में हम आए दिन इनकाउंटर करते हैं, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूँगी, जिसमें सबसे अहम है डायबिटीज़, सेकेंड नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर, तीसरे नंबर पर आता है लिपिड प्रोफाइल, मतलब खून में चर्बी की मात्रा ठीक ना होना। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ी, ये वीनस ऑक्लूजन के बहुत अहम कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो फिर वो उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, कैसे वो पता चलेगा कि उसे ये समस्याएँ भी हैं? जैसा मैंने बोला, इस बीमारी के ये तीन बहुत अहम कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ी। तो सबसे पहले जिस भी मरीज़ को, जिस भी पेशेंट को ये पता चलता है कि वो इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों ही बीमारियों से ग्रसित है, तो उसे अपने फिजिशियन के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए, ताकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल को बिल्कुल ही नियमित रखा जा सके। और इसके लिए बहुत सी कारगर दवाइयाँ आज उपलब्ध हैं। अगर किसी को ये तीनों बीमारियां हैं, तो उसे नियमित तौर पर हर 6 महीने पर अपनी आँखों का की जांच एक प्रॉपर ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से भी करानी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है, आँख के पर्दे की नसें अगर प्रभावित हो जाती हैं, किसी भी किस्म का वीनस ऑक्लूजन अगर हो गया, तो पेशेंट को इमीडिएटली इसके लक्षण पता चल जाते हैं, क्योंकि रोशनी में कमी आ जाती है ना, और दूसरा आँख के सामने कुछ धब्बे जैसी चीज़ें उसे दिखने लगती हैं। ऐसे में उसका फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले आकर किसी आई एक्सपर्ट से मिलें। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ही हमें आँख के पर्दे पर खून के छींटे या धब्बे नज़र आ जाते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए हम ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी या OCT नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जो आज के समय में डायबिटिक लोगों के लिए एक बून है, ब्लेसिंग है। इस स्कैन की मदद से हम रेटिना, जो आँख का पर्दा होता है, उसकी परत दर परत का आकलन और असेसमेंट कर सकते हैं। OCT में अगर हमें आँख के पर्दे के बीच के हिस्से में, जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं, अगर किसी भी किस्म का सूजन दिखता है, एडिमा दिखता है, तो फिर उसके लिए हम इमीडिएटली पेशेंट को एंटी विजिफ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जो हम लगाना चालू करते हैं। हर 1 महीने में 1 इंजेक्शन का डोज है, और ये तब तक लगाया जाता है जब तक कि ब्लॉकेज की वजह से जो आँख के पर्दे में सूजन आया है, जब तक हम उसे कंट्रोल नहीं कर लेते हैं। तो ये एंटी विजफ इंजेक्शंस जो रेटिना के सूजन के लिए लगता है, ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। और हम देख रहे हैं कि आज से कुछ दशक पहले अगर हम इन आँखों को लूज़ कर जाते थे, वी यूज़ टू लूज़ दीज पेशेंट्स, आज उनका बहुत ही सफल तरीके से इलाज संभव हो पा रहा है। अगर बात कर ली कि अगर इसका इलाज जो चल रहा है, तो इस दौरान चश्मे की भी ज़रूरत पड़ सकती है? चश्मे की ज़रूरत तो एक एज के बाद लगभग हर किसी को पड़ती है। इस कंडीशन में ज़्यादा अहम होता है आँख के पर्दे और आँख की नस की नियमित जांच और उचित ट्रीटमेंट करना, क्योंकि इन वीनस ऑक्लूजन्स के बाद आँख का पर्दा तो प्रभावित होता ही है, साथ में आगे चलकर ग्लॉकोमा या आँख के नस में भी गड़बड़ी होने का की आशंका रहती है। इसीलिए इन पेशेंट्स को सिर्फ रेटिना के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस नहीं करना चाहिए, उनके नर्व पर भी, उनके ऑप्टिक नर्व पर भी कड़ी नज़र होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि इसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का अहम रोल होता है, तो इस दौरान इंसान को अगर डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो क्या चीज़ कंट्रोल करना चाहिए? ये इसके लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई भी एक अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक कंपीटेंट फिजिशियन के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहिए, और वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड लिपिड प्रोफाइल को अगर कंट्रोल में रखना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उसको नियमित समय पर लेना। सेकेंडली, डाइट का मैक्सिमम कंट्रोल करना, जो एक डाइटिशियन या एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको राय दे पाएगा। और तीसरा है, लाइफस्टाइल को सीडेंट्री ना रख के उसमें थोड़ी एक्टिव फिजिकल वर्कआउट, ऐसी सब चीज़ों का समावेश करना।